नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोरबा घंटाघर में उस समय सनसनी सी फैल गई जब लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला पर धारदार हथियार से वार कर रहा है। महिला की आवाज लगाने पर लोगों ने बीच बचाव किया और महिला को सूचना दिया। बताया जा रहा है कि घायल महिला और आरोपी दोनों पति पत्नी हैं और 10 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पति हमेशा ही पत्नी पर उसके चरित्र को लेकर हमेशा शंका किया करता था, जिस वजह से आज सुबह वह अपनी पत्नी को लेकर पहले दादर पहुंचा। वहां से फिर वह घंटाघर आया जहां उसने धारदार हथियार से उस पर वार करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी पति को रामपुर चौकी लेकर आई। पुलिस जांच में बात स्पष्ट होगी कि आखिर मामला क्या है। कब निकले थे घर से आप लोग? हम लोग 10:30 बजे निकले, बच्चे लोग को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तो बोले कि चलो हम लोग पैसा लेकर आएंगे, ठेकेदार के हम थी, तो मैं चलो बोल कर आ गई। उनके साथ फिर लेकर गए थे मेरे को दादर साइड, तो वहाँ उनके ठेकेदार के यहाँ ताला बंद था, तो इधर लेकर आया ऊपर ठेकेदार ने, और फिर मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। किससे मार रहे थे? हाथ से मारे, फिर चाकू निकाला और चाकू से फिर मारे तो मैं देख नहीं पाई, अपने आप को बचा नहीं पाती। क्या नाम उनका? रवि अस्पताल। आपका क्या नाम? रवि अस्पताल। दोनों पति पत्नी आप लोग? कहाँ रहते हो आप लोग? तो क्या बात को लेकर झगड़ा हो गया? आज दिनांक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को अपने पास रखे धारदार हथियार बंडे से मारपीट किया गया है, जिस पर से एक डायलेक्स 12 की टीम ने मौके चौपाटी पर से उसको लाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। मैं स्वयं और मेरी स्टाफ के साथ जाकर पता तस्दीक किया, जिस पर से हम लोगों को अभी तक जो बातें आई है, महिला ने यह बताया कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व रवि वस्त्रकार नामक एक व्यक्ति से हुई थी। चेक पोस्ट बालको के दादर के रहने वाले हैं, चेक पोस्ट बालको के, और आज दिनांक को क्या है, वो ठेकेदार से पैसा लेने जाने के नाम पर अपनी पत्नी को बुलाकर कोरबा लाया था, जो चौपाटी के पास चरित्र शंका की बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हो गई और अपने पास रखे बंडे से उसके साथ मारपीट किया है, जिस पर से सिर में उसकी चोट लगी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर जल्दी उसको भेजी जाएगी। मामले में 294/506 जोड़ी गई है, साथ ही 25/27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है। संवाददाता मनोज दिनकर की रिपोर्ट।